नमस्कार, स्वागत है आपका अज्ञानी गुरुजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिव्यांग साथी खादी ग्राम उद्योग के तहत बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खादी ग्राम उद्योग के बारे में थोड़ा जानते हैं। खादी ग्राम उद्योग उन लोगों को प्रमोट करता है जो बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या बिजनेस स्टैंड अप करना चाहते हैं और उनको कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में खादी ग्राम उद्योग उन लोगों को लोन दिलवाने में अपनी भूमिका निभाता है। खादी ग्राम उद्योग से कोई भी लोन ले सकता है, सबके लिए लोन लेने की प्रक्रिया एक समान है। बस खादी ग्राम उद्योग के द्वारा सरकार जो सब्सिडी देती है उसमें 10% का अंतर रहता है। जैसे सब्सिडी देने में दो कैटेगरी बनाई गई है सरकार के द्वारा, जिसमें पहला कैटेगरी आता है स्पेशल। इस कैटेगरी में महिलाएं, SC/ST, OBC और दिव्यांगजन आते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के पुरुष आते हैं। अगर कोई हमारा दिव्यांग साथी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो खादी ग्राम उद्योग के तहत 50,000 से लेके 25,00,000 तक का लोन ले सकता है। जैसे अगर कोई दिव्यांग साथी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, तो वो 50,000 से लेके 25,00,000 तक का लोन ले सकता है। वहीं अगर कोई हमारा दिव्यांग साथी सर्विस सेक्टर की शुरुआत करना चाहता है, सर्विस देना चाहता है लोगों को, तो वो 50,000 से लेके 10,00,000 तक का लोन ले सकता है। उसको जो सब्सिडी मिलेगी सरकार के द्वारा उसमें कार्य क्षेत्र के हिसाब से मिलेगी। जैसे अगर कोई दिव्यांग साथी शहरी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसे 25% की सब्सिडी मिलेगी, और वहीं अगर कोई दिव्यांग साथी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे 35% सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी लोन अमाउंट का 25-35% होगा। इस लोन को लेने के लिए आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट जो आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होगा जहां से आपको लोन लेना है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या साइबर कैफे से करवा सकते हैं। वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड का, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने अप्लाई किया है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना टाइम लगेगा। लगभग 30-45 दिन में आपको खादी ग्राम उद्योग से कॉल आ जाएगा और वो आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगे। उस मीटिंग में आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप जो लोन अमाउंट ले रहे हैं उसे आपके इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, आपको मतलब किस तरह से लोन बैंक को वापस करेंगे, मतलब उनको पूरी तरह से जब डाउट क्लियर हो जाएगा, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद वो एक लेटर आपके ब्रांच मैनेजर को भेज देंगे। उसके बाद आपको एक खादी ग्राम उद्योग से एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जो 15-30 दिन का ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। जब वो ट्रेनिंग कन्फर्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको लोन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक आपका लोन पास ना हो, क्योंकि जो खादी ग्राम उद्योग लोन है वो स्टैंड अप लोन है, और वो जो लोन पास होता है वो आपके इंडिविजुअल अकाउंट से होता है, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट से होता है। तो जब लोन पास हो जाए उसके बाद ही आप कंपनी रजिस्ट्रेशन GST नंबर लीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, GST नंबर लेना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक है बिल्कुल। अगर आप पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, GST नंबर ले लेंगे, तो आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा। मान लीजिए आपका लोन पास नहीं हुआ तो फिर आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उस कंपनी का क्या करेंगे। इसलिए जब आपका लोन पास हो जाए फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, GST नंबर लीजिए, बाद की बात है। लेकिन हाँ, जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप CA को बताइए, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो और आप वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो फर्म के नाम पे बनवाइए, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड या जो भी आप कंपनी का नाम रखना चाहते हैं। तो सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे फर्म का नाम दीजिए, बाकी सारा आपका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जाएगा, कंपनी का कुछ भी नहीं है रोल इसमें, इसलिए वो बाद की बात है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो खादी ग्राम उद्योग की वेबसाइट पे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है, वो 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो आप उसमें से अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। मैं खादी ग्राम उद्योग का जो वेबसाइट पे है
वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। इस बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।